सरकार ने फैसले लिए हैं वो निश्चित रूप से चुनाव को उन्होंने दृष्टिगत रखते हुए लिए हैं, लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि यहाँ जो 20-22 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उनको इस वेतन आयोग के 7वें वेतन आयोग लागू करने से उनको कुछ लाभ मिल जाएगा और वो सरकार के फेवर में परचम फहराने लगेंगे जी, तो भी आखिर इस प्रदेश की 20-22 करोड़ जो जनता है जो इस सरकार की ध्वस्त कानून व्यवस्था का कुफल भोग रही है। आज ही की आपको 2-3 घटनाओं का मैं जिक्र करता हूँ। नहीं, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट एटा में 30 लोग और फर्रुखाबाद, केंद्र सरकार के फैसलों के पैरेलल अगर चलने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो बीजेपी के लिए तो एक चैलेंज है ना वो? नहीं, बीजेपी के लिए कोई चैलेंज नहीं, मैं अभिलाषा जी वही बात कह रहा हूँ, उसको पूरी तरह सुन लीजिए कि एटा में 30 लोग और फर्रुखाबाद में 36 लोग कल जहरीली शराब से मर गए। इस 2 साल में 250 के करीब लोग विभिन्न जनपदों में लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, एटा, गोरखपुर, आजमगढ़, 250-300 लोग इस तरह से जहरीली शराब पी करके मर चुके हैं। ये जो लोग आज उत्तर प्रदेश के सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये कुछ कर्मचारियों को ट्रांसफर करके ये जो सिंडिकेट चलाया जा रहा और जो भ्रष्टाचार के नाते इन शराब माफियाओं को जो संरक्षण दिया जा रहा है, इस पे उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव से सवाल पूछ रही है।